जो तुमने अभी मुझसे फिल्मिंग के बारे में पूछा है, उसमें जो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आई है और जो जो ग्राफिक्स वो क्रिएट कर सकते हैं वो कहाँ से आए? कंप्यूटर जनरेटेड। सो कंप्यूटर जनरेटेड के पीछे कोई ना कोई तो पैटर्न लगा हुआ है ना। ये जो मल्टीवर्स आ रहा है, क्या उसे कहते हैं, मेटावर्स में जो जो 3D आने हैं और वो आने, अभी इफ़ यू आर नॉट रेडी। यार मैं जिस ज़माने में मेडिकल डॉक्टर बन रहा था ना, जो इतनी मोटी किताब थी, यानी वो आधा कत्ल भी हो सकती थी, वो किताब किसी के सर पे मारे सर दो टुकड़े। अब ये असल कमाल था कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। वो आपको AI, वो तो मैंने बताया, AI अब बता देगा तुम्हें कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है वो ये कि आप रिटेन कितना कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोग्राम, ये प्रोग्राम भी 5 साल पहले आया था। आप बटन प्रेस करते हैं, आपने वो वर्चुअल ग्लासेस लगाए हैं, पूरी ह्यूमन बॉडी बाहर जिसको दिल चाहे घुमाते रहें, पकड़ के चेक कर रहे हैं, वो आपको पीछे एक्सप्लेन करता जाएगा सारा कुछ। तो ये जैसे एक बार मैंने एक प्रोग्राम उसी के एडवांस प्रोग्राम देखा कि आप टच करते करते एक ह्यूमन सेल के अंदर चले गए। आप वो चीज़ें जो हमने अपनी इमेजिनेशन में, तुम किसी से भी पूछो कि यार सेल को डिस्क्राइब करें, हर कोई अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से डिस्क्राइब करेगा ना, क्योंकि उसे देखा नहीं है। हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, जो अखबार जो जो हमारी प्रिंट में तस्वीरें थी, जो हमारी किताबों में, हम उसके हिसाब से हमारी अपनी इमेजिनेशन बिल्डअप थी कि ऐसा होता है ह्यूमन सेल, और दर हकीकत वो वैसा होता नहीं है। अब आपको मुझे सेल जो प्रोग्राम ने क्रिएट किया वो माइक्रोस्कोप के नीचे है, वो आपको सेल के अंदर लेके चला, और उसी के उन्होंने 3D और 4D और वॉट एवर डायमेंशन वो क्रिएट कर दिया। तो वो AI की कैलकुलेशन है टू दैट माइन्यूटेस्ट लेवल।